अब इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ऐसी बात है मोगली, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मैं उससे जरूर लड़ूंगा, अपने भाइयों के लिए, माँ के लिए, तुम्हारे लिए, राधा के लिए। तुम कितने बहादुर हो मोगली, तुमने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। शेर खान अब कभी भी किसी की खुशियां नहीं छीन सकेगा। रो मत माँ, देखना माँ, मेरे चाकू से शेर खान बच नहीं पाएगा। मैं बहादुरी से उसका सामना करूंगा और मेरे जंगल के दोस्त भी मेरी मदद करेंगे। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वादा करो तुम सावधान रहोगे मोगली, जल्दबाजी में अपनी जान खतरे में मत डाल लेना। तुम्हारी जुदाई में सहन नहीं कर पाऊंगी। वादा करता हूँ माँ। सुनो मोगली, उषा ठीक कह रही है, निश्चित हार से भागना बुजदिले नहीं, अकलबंदी है, समझे? हाँ, आज नहीं जीते तो कल जरूर जीतेंगे। मुझे भी वादा करो, वादा करो कि सावधान रहोगे। हाँ मैं वादा करता हूँ, सावधान रहूंगा, ठीक है? हाँ। शाबाश, बहुत अच्छे, और तेज भागो, बहुत अच्छे। हाँ? बहुत अच्छे, भागो और तेज भागो, तुम्हें शेर जितना तेज दौड़ना है। आहा, जब तुम सीख जाओगे तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ तेज और तेज, हाँ ऐसे ही भागते रहो, बहुत अच्छे। तुम धीरे क्यों हो गए, भागो और तेज, भागो, भागते रहो, हाँ भागो तेज और तेज। हाँ? अभी से थक गए, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत अकड़ रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दादाजी ये देखिए, ये कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है बेटी, ये ठीक काम है। लो। हाँ, मेरे ख्याल से अब ये काफी है। क्या ये सच है कि एक बार मशाले जला दे तो फिर बुझा नहीं सकते? बिल्कुल सच है बेटी, इतने कितना भी घुमाओ बुझती नहीं। इसका मतलब शेर से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार होगा मोगली के पास। हाँ, आग से सभी जानवर डरते हैं। सुनो मोगली, तुम आ गए अकड़ू, लेकिन सरपंच कहाँ है? वो यही है मोगली, सूंघ के देखो। हाँ पकड़ू सरपंच। कैसे हो मोगली, तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ है हमारे प्यारे शिष्य को, देखो बघीरा भी आया है। बघीरा? पकड़ू, तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन मोगली बड़ी अजीब सी गंध आ रही है। हाँ मोगली, मनुष्यों की गंध के अलावा आग जलने की गंध भी आ रही है। हाँ? ये सब क्या है मोगली? हाँ हाँ पकड़ू, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। हाँ मोगली, पहले मेरी बात सुनो, माँ ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। माँ ने मेरे लिए? हाँ, माँ ने तुम्हें वापस घर बुलाया है, वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ शेर खान से लड़ो। माँ को बहुत चिंता लगी है मोगली,
कहती है अगर शेर खान से लड़ना हो तो जंगल में आकर लड़ो, जहाँ हम सब तुम्हारी मदद कर सके। ठीक है ना मोगली? वो तो ठीक है पकड़ू, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से झुंड को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप सब जो यहाँ हैं वही काफी हैं। अब बताओ मुझे तुमने क्यों बुलवाया? मुझे तुम्हारी राय लेनी थी सरपंच, तुम सबको जानते हो। मेरे दोस्तों ने मुझे आग से लड़ना सिखाया है। आग के साथ? हाँ, इसके अलावा एक और चीज से लड़ना सिखाया है। इस चाकू और आग से मैं शेर खान को आसानी से हरा दूंगा। आग और चाकू बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, शेर खान बच नहीं सकता। मशाल में बहुत शक्ति है, इससे तुम शेर खान को निकट आने से रोक सकते हो, मगर सिर्फ मशाल से तुम शेर खान को हरा नहीं सकते मोगली। ये चाकू भी है मेरे पास, मगर उससे लड़ने के लिए तुम्हें सही जगह चुननी होगी। ऐसा हो सकता है, एक बात जरूर है, अगर हमने सही जगह का चुनाव नहीं किया तो शेर खान भाग सकता है। अच्छा सुनो, बहुत पुरानी बात है, का ने शेर खान के लिए जाल बिछाया था, बहुत अच्छी योजना थी उसकी, हम भी वो ही करेंगे। ठीक है, हमारे मिलने का कुछ फायदा तो हुआ। क्यों मोगली? मैं का से मिलकर सारी योजना पर फिर से विचार करता हूँ। ठीक है, अब चलो। शरीर भले ही बुढ़ा है लेकिन दिमाग कमाल का है। अच्छा मोगली, तुम्हें क्या करना है? कल रात तुम्हारे लिए संदेशा भेज दिया जाएगा। शुक्रिया सरपंच, कल मेरी बारी है, कल इसी समय इसी जगह तुम्हें संदेशा दूंगा मोगली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पकड़ू। सरपंच को बुलाकर तुमने काफी समझदारी का काम किया है, चलता हूँ। ठीक है। हाँ, हम सब कितनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल रात तुम मोगली से मिलने गए थे सरपंच, क्या तुम्हें कोई पुरानी तरकीब सूझी थी? और तुम जानते हो ना, मैं कभी कोई योजना भूलता नहीं। बोलो दोस्त, शेर को पकड़ने की क्या योजना थी? हंसने की क्या बात है, मैं तो का की परीक्षा ले रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सरपंच। अच्छा, कहीं तुम नीली नदी वाली लड़ाई की बात तो नहीं कर रहे सरपंच? वही। ये तो बहुत पुरानी बात है, पर भालू तुम भी तो हमारे साथ थे। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, हमने उसे घाटी की तरफ ले जाकर घेर लिया था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि सामने चट्टान थी। वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ, और शायद यही तरकीब फिर काम आ जाए, किसी तरह शेर खान को फुसलाकर ऊपर चट्टानों से होते हुए घाटी में ले आए। बहुत अच्छे, तो बात पक्की, अगर सबको मंजूर है तो इसी योजना पर हम काम करेंगे।